राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला खड़कड़ी में पढ़ने वाले दर्जनों बच्चों को आज भी जान हथेली में रखकर नाले को पार कर स्कूल आना जाना पड़ता है। बच्चों को अपने स्कूल बैग, जूते आदि हाथ में पकड़कर नाला पार करना पड़ता है और कई बार तो पैर आदि फिसलने से बच्चों के कपड़े, जूते और बैग पानी में भीग जाते हैं। बारिश के समय ये नाला उफान पर होता है और कोई भी बच्चा बहकर गोविंद सागर झील में समा सकता है। ये नाला रूपी खड़ थोड़ी ही दूर पर गोविंद सागर झील में समा जाती है। आप तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि बच्चे किस तरह से अपने स्कूल तक पहुंचते हैं। ये जो हमारा खड़कड़ी सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, यहाँ पर बच्चों को पढ़ाई के दिनों, बरसात के दिनों में बहुत दिक्कत आ जाती है। जो हमारे इसके साथ सड़कें हैं, पुलियाँ हैं, वो कच्चे हैं, नालों में पुलियाँ नहीं हैं और बरसात जब बारिश होती है तो बच्चों को उसमें आने के लिए बहन का भी खतरा रहता है। हमारे सरकार से गुजारिश है कि ये इलाका पहले काफ़ी जो है डैम हॉस्टल हो गए, यहाँ डैम से के लोग बैठे हुए हैं और उन लोगों की समस्या बड़ी गंभीर है। अभी इनको पुलियाँ डाल दी जाए, पक्का कर दी जाए ताकि बच्चों को पढ़ाई में कोई भी समस्या पैदा ना हो। जब बच्चे पोली खड्डों से आते हैं, उनके बूट भी गिले होते हैं, कपड़े गिले होते हैं, वस्त्र भी गिले होते हैं, तो बहुत बड़ी दिक्कत है। हमारा यही अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी इनके पोली डाल दी जाए और सड़कें जो पक्की हो जाए जहाँ से बच्चे आते हैं। यही हालात हमारा नकराना पंचायत में है। नकराना पंचायत के भी कोई भी रोड पक्का नहीं है। जो भी बच्चे हैं और लड़के लड़की स्कूल में जाते हैं उनको बहुत दिक्कत है। तो मेरा ये निवेदन है कि उन सड़कों को भी जल्दी जल्दी पक्का किया जाए और पोली को बनाया जाए। हिमाचल एक्सप्रेस के लिए बिलासपुर से ऋषु प्रभाकर की रिपोर्ट। चलो जाओ।